दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 225.36 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर जो ग्रीन कलर की नीक लाइन देख रहे हैं 200 रुपए पर, 200 रुपए पर स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। ऊपर में जो रुकावट रेंज है वो 240 रुपए के पास है। स्टॉक काफी समय से देखें तो एक रेंज बोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, स्टॉक के अंदर हमने 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। स्टॉक ने यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव साइड स्टॉक जा रहा है, यानी राइजिंग हो रहा है। साथ के साथ ऊपर में स्टॉक अगर 242 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाने में कामयाब होता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी। ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपए के लिए आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। पर स्टॉक के अंदर जब तक ऊपर में 240 रुपए के प्राइस को स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देता, स्टॉक एक रेंज बोन के अंदर ट्रेड करेगा। ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। नीचे में अगर स्टॉक 200 रुपए के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, यानी 200 रुपए से नीचे क्लोजिंग बनाता है, तो वहां पर और बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।